हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में ये कुमकुम चावल का बॉक्स तैयार किया है। ये बॉक्स देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको हमने क्विलिंग से ही कैप और बाउल तैयार करके उसके ऊपर से हमने स्टोन से किस तरह से सजाया है। और साथ ही साथ देखिए इसमें हमने गणेश जी लगाया है और फ्लावर लीव से सजाया भी है। ये पूरी प्लेट देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये 12 स्ट्रिप का टाइट कॉइल है और इसी तरह से हमने एक 9 स्ट्रिप का भी बना रखा है। तो ये जो 9 स्ट्रिप का है इसको हम नीचे का बाउल बनाएंगे। जो अपने कुमकुम का बॉक्स हम बना रहे हैं वो नीचे का ये बॉक्स बनाएंगे और इससे हम अपना कैप तैयार करेंगे। ये इस तरह से बन गया है और अब इससे कैप बनाएंगे। तो इसको हम हल्का सा जो है डोम शेप बनाया है हमने, इसको थोड़ा सा गहरा रखा है और इसको हल्का रखेंगे। देखिए ये इस तरह से। अब इसके बाद हम 1 स्ट्रिप और लेंगे जिससे कि हम कैप का कवर करने के लिए ये इसके ऊपर हम ये बनाएंगे। जब ये हम इस पे कैप लगाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाना चाहिए। उसके लिए हम एक और रिंग तैयार करेंगे जो कि इसके ऊपर हम तैयार करेंगे। इक्वल साइज का बनेगा तभी हमारा ये कैप एकदम फिटिंग का बनेगा। जो भी हम कुमकुम चावल रखेंगे तो गिरेगा नहीं फिर वो। इस तरह से देखिए ये रिंग बन गया है। ये रिंग हम इसको यहां पर इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से इस पे स्टिक कर देंगे हम। हमने स्टिक कर दिया है, इसको ड्राई होने देते हैं और तब तक हम इसमें फेविकोल फिल कर देंगे जिससे कि इसका शेप खराब ना हो।
भी हम इसको ड्राई होने देंगे। ये देखिए ये ड्राई हो गया है। अब इसके नीचे हम एक बेस बनाएंगे, तो उसके लिए हमने ये टू स्ट्रिप का एक टाइट कॉइल पहले हम बना लेंगे। इसको हम इस पर स्टिक कर देंगे। ये हो गया। अब हम अपने कैप के ऊपर एक छोटा सा जो है पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल बनाएंगे, तो इसके लिए हमने हाफ स्ट्रिप के दो टाइट कॉइल हम तैयार करेंगे। ये देखिए ये दो टाइट कॉइल तैयार कर लिए। अब एक में हम ये हल्का सा इसको ऊपर उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से उठा दिया, और एक हम ऐसे ही सिंपल रहने देंगे और इसी के ऊपर हम इसको स्टिक कर देंगे। ये सेंटर में हम इसको अपने हैंड ऊपर कैप पर लगा देंगे। अब इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए ये ड्राई हो गया। अब इसके ऊपर हम ये आउटर में वार्निश कर देंगे। ये हमारे पास डेकोर वार्निश है, ये हमने ऑनलाइन परचेस किया है। अगर आपको भी परचेस करना हो तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। हम इसको वार्निश कर देंगे बाहर आउटर एरिया में। इसको हम अच्छे से वार्निश कर देंगे तो ये हमारा वाटरप्रूफ हो जाएगा और प्लस डस्ट प्रूफ हो जाएगा। अगर इस पर डस्ट आ भी जाएगा तो साफ करेंगे तो इसे क्लीन हो जाएगा, इसलिए हम इसको वार्निश कर देंगे। कोई भी आइटम आप ऐसा बना रहे हो तो उस पर वार्निश ज़रूर करें, और इसका लुक भी थोड़ा ग्लॉसी हो जाता है तो देखने में प्यारा लगता है। ये देखिए ये ड्राई हो गया है। अब इसको हम ये हमारे कैप पर और बॉक्स पर हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे, तो इसके लिए ये हमने बॉल चेन लिया है गोल्डन ग्रीन रेड, और ये स्टोन लरी चेन ये लिया है, और रेड और ग्रीन कलर का स्टोन लिया है। इसी से हम अपना कुमकुम बॉक्स जो है
डेकोरेट करेंगे। और इसको स्टिक करने के लिए हमने फैब्रिक ग्लू लिया है, जिससे हम अपना सारा स्टिक करेंगे। इसके बाद से हम यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉल चेन लगाएंगे। यहाँ पर हम जो हमने रेड कलर का और ग्रीन कलर का स्टोन लिया है, तो हमने यहाँ पे ग्रीन बॉल चेन लगाया है, तो हम यहाँ पे रेड कलर का स्टोन चिपकाएंगे। इसके बाद से हम यहाँ पे ग्रीन बॉल चेन लगाएंगे। यहाँ पे फिर से हम अपनी गोल्डन चेन लगाएंगे, गोल्डन स्टोन लरी चेन। ये देखिए, अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर का स्टोन लगाएंगे। पूरे हम कैप को हम फिल कर देंगे, जिससे कि ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो सारे स्टोन और स्टोनलरी से हम इसको फिल कर देंगे। ये देखिए, ये लग गया है। अब यहाँ पे हम साइड में स्टोन लरी लगाएंगे। तो पहले थोड़ा सा इसको ड्राई हो जाने देते हैं, फिर यहाँ पे हम स्टोन लरी लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हम यहाँ पे स्टोन लरी लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी कैप बन गई है। अब हम अपने नीचे वाले बॉल पे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे।
ये देखिए, ये हमारा नीचे का बाउल भी तैयार हो गया है। और इसमें देखिए, यहाँ पे ये स्टोन की जो हमने लरी लगाई है तो इसका एज दिखाई दे रहा है, तो इस पर हम एक रेड जो है ये बॉल चेन एक लगा देंगे इस तरह से, तो जो स्टोन लरी की एजेस है दिखाई दे रही हैं वो नहीं दिखाई देंगी। देखिए दोनों रेडी हो गया है, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं। अब ये जब तक हमारा ड्राई होगा तब तक हम यहाँ पे प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने देखिए ये कैप लिया है बड़ा सा, इसी पर हम सर्कल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने येलो कलर का स्ट्रिप लिया है और ये हमने 7 स्ट्रिप स्टिक कर लिया है एक साथ, और इस पर एक हम सर्कल तैयार करेंगे। ये देखिए ये सर्कल तैयार हो गया है। अब इसमें हम इसके बीच में इसको फिल करेंगे। ये इसके लिए हमने डार्क ग्रीन और येलो कलर का स्ट्रिप लिया है और इन दोनों को एक साथ रख कर हम बिहाव पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से हम बना लेंगे और पूरा इसको इसी से फिल कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से बन गया है और इस तरह से हम इसको यहाँ पे से स्टिक करते जाएंगे और पूरा इसी से हम फिल कर लेंगे। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। ये थोड़ा सा देखिए ऐसे लूज है, तो इसके लिए हमने सेम साइज़ का ये येलो कलर का हार्ट शीट लिया है और इसको हम यहाँ स्टिक कर देंगे इसके साथ। ये स्टिक कर देंगे पहले। ये देखिए ये हमने स्टिक कर लिया है, ये हमारी प्लेट तैयार है। अब इस पर हम स्टोन लरी वगैरह लगाएंगे और देखिए ये हमारी बॉक्स
ड्राई हो गई है, और ये देखिए इसका कैप देखिए एकदम फिटिंग का बना हुआ है। इसी तरह से हमने ये एक और बना लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ अपने प्लेट पे यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टोन लरी लगाएंगे। ये देखिए ये लरी लग गई है स्टोन की। अब यहाँ हम ऊपर, ये हमारे पास हाफ कट बॉल है, ये हम ऊपर यहाँ पे ये हाफ कट बॉल लगाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने हाफ कट बल्ब लगा दिया है। अब इस प्लेट को हम यहाँ पे फ्लावर और लीफ लगा के सजाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 11x11 सेंटीमीटर का ये रेड और पीच कलर का स्ट्रिप लिया है। इसको एक साथ स्ट्रिप करेंगे और इसी से हम अपना फ्लावर का पेटल तैयार करेंगे। ये देखिए ये आई शेप में हमने ये एक पेटल बना लिया है। इसी तरह से हमने और भी पेटल बना लिए हैं। अब इसके साथ हम लीफ बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये हाफ स्ट्रिप लिया है, ये लगभग 22 सेंटीमीटर का है। ये हमने कॉम लिया है, इसी कॉम पे हम अपना लीफ तैयार करेंगे। कॉम पर इस तरह से हम इसको राउंड शेप में लपेटते जाएंगे और इसको स्टिक भी करते जाएंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने दबा दिया है और इसको ये लेप बन गया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे और भी लेप तैयार कर लिया है। साथ ही ये हमने ये दो स्क्रॉल हमने लिया है, ये भी हम इसमें लगाएंगे। और अगर स्क्रॉल की वीडियो देखनी हो तो हमारी फिलर की वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सब लगा के हम सजाएंगे। अब हम फ्लावर तैयार करते हैं। इसके लिए हमने ये छोटा सा एक सर्कल रेड कलर का लिया है और इसको हम कोन के शेप में स्टिक करेंगे। चूँकि हम 3D फ्लावर बना रहे हैं तो हम इसी पे अपना फ्लावर तैयार करेंगे। अब इसी पर हम अपना फ्लावर का सारा पेटल सेट कर देंगे। ये देखिए अब ये इस पे हम सेकंड लेयर लगाएंगे। ये 6 पेटल को पहले हम यहाँ पे एक साथ दोनों सारे स्टिक कर लेंगे पहले, उसके बाद से हम इसको फ्लावर के ऊपर रखेंगे। इसको यहाँ पे हम इस कोन को थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से अंदर कर देंगे। ये अब आराम से इस तरह से स्ट्रेट यहाँ पे रुक गया। अब इस फ्लावर को अब हम इसी के ऊपर स्टिक कर देंगे। ये देखिए अब इस पे हम ये हमने एक हाफ कट बॉल लिया है, इसके सेंटर में इसको स्टिक कर देंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया। अब इसको हम यहाँ पर इसको स्टिक कर देंगे। देखिए इस तरह से हम इसको सब स्टिक कर देंगे इसी पर।
ये देखिए ये बन गया। और यहाँ पे हमने एक गणेश जी की, ये हमने क्विलिंग से ही बनाया है, तो इसको भी हम इस पर स्टिक करेंगे। और इसकी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप गणेश जी की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर स्टिक करेंगे और ये अपने कुमकुम के बॉक्स यहाँ रख देंगे। ये देखिए ये हमारी कुमकुम बॉक्स प्लेट तैयार हो गई है। देखिए ये देखने में कितनी प्यारी लग रही है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।